असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ले। रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम प्यारी बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत और कायम दायम रखे आमीन आमीन आज का बहुत प्यारा अमल है या अली मदद अमलियात का एक बहुत बड़ा अमल बहुत ख़ास अमल इस अमल को आप हाथ के नाखून पर हाथ की हथेली पर अंडे पर शीशे पर हाजिर कर सकते हैं ये याली के मोकिल हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि किसी से जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चाहत हो तो हम उसको पुकारते हैं ठीक है तो जो जिन्नात आप के दौर में आसर वम से कुरने पाक पढ़ते और अच्छी बातें सीखते और उसके उन आसरम के बाद हज़रतली आप सरल के बाद हजरत अली को ये मौका मिला तो उनके ताब मोकिल के बारे में बात की जा रही है अंडे पर जो ख़ास तरीक़ा है उसका ये तरीक़ा है लेकिन उससे पहले नबी फाजल वसम की अदीस की तरफ चलते हैं तस्वीर जो मैंने वीडियो की दिखाई है आपको इसमें आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको समझ भी आएगी लेकिन आपको पता है सबसे पहले आज वसलम का नाम लेना अल्लाह को याद करना और एक अदीस को सुनना तो मेरी एक कसम है कि मैं आज रही की हदीसें आप तक पहुँचाऊँ आपकी कसम है कि आप ये अहदीसें लोगों तक पहुँचाएँ और अमलियात ताकि लोग गलत चीज़ें इस्तेमाल ना करें इख्तियार ना करें आशी वसलम ने शायद फरमाया हर चीज़ तकदीर से जुड़ी हुई है यहाँ तक कि आजिज़ होना होशियार होना ये भी तकदीर से ही जुड़ा हुआ है ये जो अहदीस है मुस्लिम शरीफ की है एक बात याद रखें कि हम कभी ये ना सोचें कि ऐसा करते ऐसा हो जाता ऐसा करते ऐसा हो जाता ऐसा नहीं है हर चीज़ तकदीर पर जुड़ी है अब दुआ जो है वो एक्स्ट्रा है दुआओं से तकदीर को मोड़ा भी जा सकता है अल्लाह पाक से दुआ की जा सकती है तो जिसने तकदीर बनाई है वही जो है हम उन्हीं से दुआ करें यानी अल्लाह पाक से तो तकदीर भी ठीक हो सकती है ठीक है ना लेकिन हर चीज़ तकदीर पर डन है ये बात याद रखें और तकदीर मुकद्दर अल्लाह पाक ने बनाए हैं दुआ सिर्फ़ अल्लाह पाक से है ख़ुद कोई जज्बात में आकर कुछ भी नहीं कर सकता अब परी मोकिल को हाजिर करने का जो मैंने पूरी कोशिश की है इसको अंडे की शेप देने की तो मैंने ये एक अंडा लिया है समझिए ठीक है अंडे के ऊपर अंदर से, जो सफ़ेद होता है ना बिल्कुल अंडे के ऊपर सफ़ेद रंग होता है तो फिर उसके ऊपर एक काले रंग का गोल दायरा बना लें काजल का दायरा बनाना है बेशक आप दायरा मार्कल से लगा लें लेकिन ग, आ, जो काजल का दायरा है वो बिल्कुल गोल होना चाहिए और अंदर काजल भरा होना चाहिए अंडा हमेशा नोक टा, टाइप का होता है ये नोकदार होता है तो जब यहाँ पर उनके जो जहाँ पर अंडे का ज़्यादा गुलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर दायरा बनाना है नोक वाले हिस्से की तरफ या अली लिखना है सात सौ छियासी अलीफ बा जीम नोन काफ हा ये आपने लिखना है बिल्कुल ऐसे नक्श बनाना है गलत नहीं आपने ख़राब नहीं करना ठीक है जब हम अंडा लेंगे ना तो आप उसकी जो साइडें हैं उनके ऊपर ये ले, चीज़ें भी लिखेंगे ठीक है अब ये अंडे के ऊपर हाजिरी करने का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ ठीक है अंडे पर परी की हाजिरी कैसे की जाती है अब जब आपने अंडे पर परी की हाजिरी करनी है ना तो सात दिन इस अमल को करना है इतवार नौ चंदी इतवार का दिन हो तीन बार द्रोशी पढ़ना है नमाज की पाबंदी करना है इकतालीस बार अल्लाह के इस कलाम को पढ़ना है इस दुआ को कैसे हम पढ़ेंगे गौर से सुन लें इतवार चंदी इतवार ठीक है ये चंदी इतवार को ही शुरू होगा यानी चांद के दिनों की पहली जो इतवार आएगी वो चंदी इतवार आएगी ठीक है अब हमने पढ़ना क्या है इकतालीस बार जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है पहले तीन मरत पढ़ेंगे फिर बिसमिल्ला <usallatas cities özellak |en|> अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूल अल्लाह या अली मदद या अली हाज़िर शु हाज़िर शु ठीक है हर कोई अक्सर लोग जो होते हैं ना हाज़िर शो लिख देते हैं शो नहीं शू लिखना है ठीक है पढ़ना भी शू ही है इसको जब भी किसी कागज़ पे उतारेंगे तो पेश ज़रूर डालिएगा तो गलती करेंगे आप फिर हाज़िरी नहीं होगी याद रखिएगा अमल सात दिन आपने करना है वक्त इशा की नमाज़ का आपने लेना है या तहजद का लेना है ठीक है अंडे के ऊपर जैसे मैंने आपको नक्श बताया है इस तरह बना ले इस जगह इस जगह पर हाजिरी होगी गौर से देखें इस जगह पर हाजिरी होगी किसकी हाजिरी होगी परी या अली के मोकिल परी की हाजिरी यहाँ पर होगी ठीक है हम जब ये मोकिल हाजिर होते हैं ना या अली के तो जब हम उनको कहते हैं ना कि आप हमें कोई परी ताबे करवा दें तो फिर वो परी की हाज़री इस अंडे के ऊपर देते हैं ठीक है अब आपने ये वाला सारा अमल आपने परी मोकिल के लिए सात दिन करना है सात दिन में अगर परी हाजिर नहीं होती तो ग्यारह दिन करें ग्यारह दिन में पूरी इसकी ज़ुक़त अदा करें अब ज़ुकूत में कुछ चीज़ों की भी आप गौर से तनबीर सुन लें यानी परहेज़ गोश्त का किसी भी किस्म का मछली का आ, मुर्गी का गाय का बकरी का किसी भी किस्म का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना गोश्त से बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी यहाँ तक कि गोश्त का शोरबा भी इस्तेमाल ग्रेवी भी इस्तेमाल नहीं करनी अंडा ये जो अमल है ये आपके घर के रिजक के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी ठीक है अब ये अमल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक अमल हो गया मोकिल और परी को हाजिर करने का ठीक है अब परी से नजायज़ बात नहीं कर सकते गलत बात नहीं कर सकते परी से सिर्फ और सिर्फ आप मदद ले सकते हैं दुआ करवा सकते हैं आपके घर में किस चीज़ की कमी है रिस्क दौलत पैसा गाड़ी इन चीज़ों की कमी है तो दुआ कर सकते हैं और अगर आपके घर में बंदिश है जादू है सफलीलम है उसको ख़त्म कर सकते हैं एक सादा अंडा लेंगे ठीक है एक सादा अंडा लेकर यही लफ्ज़ तीन मरतबा पढ़ेंगे ठीक है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूल अल्लाह या अली मदद या अली हाज़िर शु अंडा लेंगे तो तीन मरतबा इसके ऊपर अंडे के ऊपर पढ़ेंगे पढ़ने के बाद तीन दिन अपने घर में इसी अंडे को रखेंगे अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि जादू ख़त्म हो जाए आपके घर से और बंदिश ख़त्म हो जाए कारोबार की रिस्क की पैसे की या आप फर्ज करिए आपने कोई घर लेना है घर लेने लगे हैं तो घर में ऐसा रुकावट आ रही है कि घर नहीं ले पा रहे या कोई रेंट पे घर लेना है ऐसा वक़्त आया कि आप मतलब कि रेंट पे भी घर नहीं ले पा रहे आप दुआ करें ये अपने घर का अमल है ठीक है अपने घर का अमल है अगर आपके घर में रिस्क नहीं है फाका कशी है ठीक है ना तो ये अंडा आपने लेना है चुराहे पे जाकर गली के चारों देखिए चार गलियों को लेकर उसका जो सेंटर होता है ना उसको कहते हैं चुराहा ठीक है चुराहा या फिर दरख्त के नीचे किसी भी फलदार दरख्त के नीचे इस गर, इसको जब आप तीन दिन अपने घर में अंडे को ये वाला दम करके रखेंगे तो फिर जब तोड़ेंगे तो दरख्त के नीचे तोड़ें या चुराहा पर तोड़ें ठीक है दरख्त पर तोड़ें या फिर चुराहा पर तोड़ें अब दूसरी बात सुन लें अगर आपके घर में दौलत नहीं है रिस्क नहीं है फाके कशी है ये जादू की काट अंडे ने कर दी चावलों का सदका दें ठीक है चावलों का सदका एक मुट्ठी भर चावल लें मुठी भर चावल लेने के बाद आपने चीनी याद रखें चीनी जब मतलब कि मुट्ठी भर आपने चावल ले लिए उसको चीनी का डब्बा आपके घर में मौजूद होगा चीनी की तह जो होती है ना उसके नीचे पहले चावल रखें उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल दें सात दिन अपने घर में उस चीनी और चावल को रखें रखने के बाद उन चावलों को किसी या तो ग़रीब को दे दें या हशरात को डाल दें या प्रिंदों को डाल दें ठीक है वैसे कोशिश करें कि चूटियाँ होती हैं ना घर में तो वो आपकी चीनी और चावल ले कर जाएँ अच्छा चावल ना पूरे चावल भी आते हैं और कुछ चावल ना टूटे हुए भी आते हैं छोटे छोटे या फिर आप थोड़ा सा चावलों को ग्राइंड भी कर सकते हैं तो वो टूट के पीस हो जाएंगे थोड़ी जो चूटियाँ आराम से ले जाएंगी अगर आपके घर में चूटियाँ हैं तो अगर परिंदों को देना है तो परिंदों को खिलाने के लिए चीनी और चावल इकट्ठा करके सात दिन डब्बे में डाल के रख दें और डब्बे को बंद कर दें और याद रखें कब भी, भी उस डब्बे पर किसी की नजर ना जाए सात दिन के बाद जिसकी मर्जी नजर जाए लेकिन सात दिन तक जो भी औरत या भाई घर में ये अमल करेंगे तो सात दिन उसके घर में डब्बे पर किसी की नज़र ना जाए और वो डब्बा जो है सात दिन बाद खोल के इस तरह ये अमल करें इन अल्लाह के हुक्म से दौलत गैब से आना शुरू होगी गैब से आना शुरू होगी अगर आप परी मोकिल का अमल करते हैं तो फिर दौलत भी देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आती है रिस्क कितना आता है बेहिसाब रिस्क आता है जब भी परी मोकल अमल करते हैं ना नोट आपको मैं बता रही हूँ कि जब भी परी मोकल अमल करते हैं जब भी पाग बाबरकत अमल करते हैं चावलों का अमल करते हैं अंडे का अमल करते हैं जब भी पढ़ाई करते हैं अल्लाह के नाम की तो पास एक दफ़ा एक अगरबत्ती ज़रूर सुलगाया करें अगरबत्ती अगर नहीं सुलगा सकते तो खुशबू ज़रूर लगाएं जादू के लिए भी जब काट करते हैं तब भी आप अगरबत्ती नहीं तो खुशबू ज़रूर लगाएं अमल करते वक्त खुशबू का होना बहुत ज़रूरी है फरिश्ते हाजिर होते हैं और वो मदद करते हैं और वो सुनते हैं आपकी पुकार को जैसे परी मोकिल सुनते हैं फरिश्ते भी आपकी बातों को सुनते हैं ठीक है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अगर मेरे अमलियात आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बेहिसाब इस तरह की प्यारी वीडियो जो आपको मिलती रहे अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वारदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तारा भी करवा कर सकते हैं जैसा कला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबा करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करे और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करे आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला